शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये विशेष का एडेड स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं। आज का विषय है पोल साइंस। आज इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 के कुछ जरूरी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए समय समय पर कई जरूरी वीडियो है लेकर आता हूँ, जैसे आपका एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट, आपका प्रैक्टिकल। और साथ में मैंने ये वीडियो विशेष का उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया है जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनको ऐसे पढ़ाई नहीं मिल पाती है जैसे वो करना चाहते हैं। बहुत से महंगे महंगे कोचिंग सेंटर है वहाँ पर, उनको बुरा तो ले जाता है, उनसे महंगी महंगी फीस तो ले ली जाती है लेकिन उनको उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है जिस हिसाब से उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ आपको जो है बहुत ही अच्छे से आपको जरूरी जरूरी क्वेश्चन आंसर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। तो चलिए जल्द से लेते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न पहले में ऐसे कहा जाता है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही से मार्क्सवादी क्या समझते हैं कि यहाँ पे सर्वहारा वर्ग है उनकी तानाशाही है। अब ये जो है मार्क्सवादी इसके बारे में क्या कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है क्या। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग बहुसंख्यक श्रमिकों पर शासन करता है, जबकि श्रमिकों की तानाशाही में बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर शासन करेगा। इस प्रकार यह पूंजीवादी शासक की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक होगा। श्रमिक की तानाशाही में पूंजीपति वर्ग को बलपूर्वक दबा दिया जाएगा जिससे भविष्य में वह पुनः सिर ना उठा सकेंगे। पूंजीवाद में विश्वास रखने वालों का अंत कर दिया जाएगा। सिंपल सी अगर भाषा में आपको बताया जाए तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का मतलब क्या है कि ये उन लोगों को दबाना चाहता है, उन लोगों को कम करना चाहता है जो ऐसे लोग हैं, कैसे पूंजीपति लोग जो श्रमिकों से ज़्यादा काम करवाते हैं, उन्हें सैलरी कम देते हैं या उनको शोषण करते हैं, ऐसे पूंजीपतियों को ये चाहता है उनको दबा के रखा जाए, उनको नीचे दबा के रखा जाए, उनको खात्मा किया जाए। तो ये बनता है हमारा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 आपके लिए बहुत जरूरी है और इस सवाल में ऐसे कहा जाता है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है क्या। सवाल एग्जाम में आपका कैसे भी घूम फिर जा सकता है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का क्या अर्थ है, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, सवाल कैसे भी आपको घूम फिर किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो है सवाल आपको दिया जाता है कि आपका एग्जाम में सवाल वैसा ही आए। सवाल मोस्टली क्या होते हैं, बदलते हैं, वो कई बार बदल के आते हैं लेकिन आंसर क्या होता है वही होता है जो आपने याद किया है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ें तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें, फिर आप आंसर करें। तो इसमें आपको लिखना क्या है, वस्तु के बाजार मूल्य व वास्तविक मूल्य के अंतर को पूंजीपति स्वयं हड़प लेता है। मार्क्स की दृष्टि से जो धन पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया है वही धन अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य इन दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। इस प्रकार वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। इस संबंध में मार्क्स ने लिखा है, यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथकर के रूप में स्वयं वसूल करता है। तो इसका सिंपल सा अगर मतलब देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए पर ऐसे कि कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर देखा जाए सारा सारा काम करने वाले कौन है, लेबर लोग हैं। कैसे, वहाँ पर कोई ना कोई मैनेजर होता है, कोई ना कोई यहाँ पे कुक होता है खाना बनाने के लिए, कोई ना कोई यहाँ पे वेटर होता है सर्व करने के लिए, कोई ना कोई दूसरे लोग होते हैं वहाँ पर, कोई गेट वहाँ पे वॉचमैन होता है। तो यहाँ पर देखा जाए हर कोई अपना अलग अलग काम कर रहा है लेकिन जो मालिक है वो एक तरह से देखा जाए कोई ख़ास काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखा जाए जो कुक है वो अपना खाना बना रहा है, वेटर है खाना सर्व कर रहा है, जो दूसरे जो रिसेप्शनिस्ट है या दूसरे जो लोग हैं वो अपना बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो अपना पेमेंट है पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ जो है एक तरह से जो लेबर है वो आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, और लेकिन उससे जो फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा किसको जा रहा है, मालिक को। तो जो यहाँ देखा जाए कि जितना उसे पैसा लगा, जितनी उनको सैलरी मिली, और इसके अलावा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किसको जा रहा है, वो जा रहा है मालिक को। तो इसका जो मूल्य है जो एक तरह से जो देखा जाए अतिरिक्त मूल्य है, जैसे वहाँ जो देखा जाए बिजली का बिल है, मेंटेनेंस का खर्चा है, जहाँ पे सब्जी वब्जी है, जो भी खाना वाना दिया गया
उसका मूल्य है, वहाँ पे जो भी सर से खर्चा करने बाद, उनकी सैलरी निकालने बाद जो पैसा बचा, जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट किसको जा रहा है? वो जा रहा है मालिक को। तो वो जो प्रॉफिट है, वो जो फ़ायदा है, वो कहलाता है अतिरिक्त मूल्य का एक तरह से सिद्धांत। तो जबकि वो कहते हैं कि उस पर भी कहते हैं कि कुछ हिस्सा, कुछ बोनस, कुछ कमीशन, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंसेंटिव मिलना चाहिए किसको? वहाँ के जुड़े हुए सभी वर्कर्स को। ये हमारा बनता है हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम तीन में ऐसा कहा जाता है, वर्ग संघर्ष से आप कह सकते हैं कि वर्ग संघर्ष है क्या? तो वर्ग संघर्ष, वर्ग का संघर्ष, लेकिन कौन से वर्ग है? दो वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है। इन दोनों बीच में कहते क्या हो रहा है, संघर्ष चल रहा है, वो कहलाता है हमारा वर्ग संघर्ष। पूंजीपति वर्ग और एक हमारा है श्रमिक वर्ग, इन दोनों बीच का संघर्ष है वर्ग संघर्ष। मार्क्सवादी विचार में आज तक का इतिहास में विरोधी वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग संघर्ष समाज की विशेषता है। वर्ग विहीन समाजों में कोई वर्ग नहीं होते। वर्ग विहीन समाज यानी वर्ग विहीन समाज क्या है? एक ऐसा समाज है जिसमें कोई वर्ग ही नहीं है, ना पूंजीपति वर्ग है, ना उसमें श्रमिक वर्ग है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, कोई भी उसमें वर्ग नहीं है। तो ऐसे समाज को कहा जाता है वर्ग विहीन समाज, कोई वर्ग ही नहीं है, क्योंकि ऐसे समाज में कोई विरोधी वर्ग नहीं होते। वर्ग समाज में वर्ग संघर्ष जो है उसको पैदा करते हैं। तीन प्रकार का होता है, आर्थिक, सिद्धांतिक और राजनीतिक। ये हमारे तीन प्रकार के यहाँ पे समाज में यहाँ पे वर्ग संघर्ष माने गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम चार में ऐसा कहा जाता है, उदारवाद की अवधारणा का वर्णन करें कि उदारवाद है क्या। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है बहुत उदार दिल का है, वो बहुत व्यक्ति जो है बहुत उदारवादी है। तो इसका मतलब क्या बनता है? उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्था को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद व्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थन का राजनीतिक दर्शन है। वर्तमान विश्व में यह अत्यंत प्रतिष्ठित धारणा है। पूरे इतिहास में अनेक दार्शनिक ने इसे बहुत महत्व दिया है। तो दोस्तों देखा जाए, यहाँ पे बहुत से लोग मानते हैं, यहाँ पर मार्क्सवाद को मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं उदारवाद को। और उदारवाद कहता है कि जो भी कई सारे जैसे टर्म कंडीशन होती है जो देश के विकास को रोकने के लिए बाधा होती है, तो इन सबको क्या करना चाहिए, कम से कम कर देना चाहिए। लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपना और अपने देश का विकास कर सके। तो ये कुछ हमारा सब बन जाता है उदारवाद का मतलब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम पाँच में ऐसा कहा जाता है, गांधीवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखा जाए, हमने अभी तक तो जो है हमने पढ़ लिया मार्क्सवाद के बारे में, उदारवाद के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं हम गांधीवाद के बारे में। गांधीवाद क्या है? जो गांधी जी में विश्वास करते हैं वो मानते हैं गांधीवाद को, लेकिन क्या है ये? महात्मा गांधी के आदर्शों, विश्वासों और दर्शन से अद्भुत विचारों के संग्रह को गांधीवाद कहा गया है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से थे। गांधीवाद के बुनियादी तत्वों में से सत्य सर्वोपरि माना जाता है कि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। सत्य, अहिंसा, मानवीय स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पर उनकी निष्ठा को उनकी निजी जिंदगी के उदाहरणों से बखूबी समझा जा सकता है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर होता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, कि सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का ही बलिदान कर दिया था कि देश में सांप्रदायिकता बिल्कुल ना हो। तो ये है यहाँ पर हमारा होता है यहाँ पर गांधीवाद, ये जो गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं, गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, गांधी जी के हिसाब से जो है कि हमारा देश का संचालन होना चाहिए। तो ये बनता है हमारा गांधीवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम छः वैसे कहा जाता है, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा क्या थी। तो बहुत आसान है। तो देखा यहाँ पर जैसे राम का राज्य था वैसे ही राज्य होना चाहिए, ये कल्पना है पर गांधी जी की। राम राज्य की कल्पना को स्पष्ट करते हुए 1929 में यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था, राम राज्य से मेरा अर्थ हिंदुओं के राज्यों से नहीं है। राम राज्य का अर्थात जहाँ अंत्योदय की प्रकृति राज करती हो। इस पृथ्वी पर कभी राम थे भी या अथवा नहीं, ये मेरी कल्पना है। लेकिन ग्रंथों में जिस राम राज्य की चर्चा है
वे वास्तविक लोकतंत्र है। जब कोई स्वर्णमुखी होकर सभी दुख सुख और अशुद्धताओं को अपना मान लेता है, जो राजा और रंग में बिना भेद के न्याय करता है, वह राजकार्य का सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी होता है। वास्तव में वही सिद्धांत गांधी जी का रामराज्य है। मतलब कि यहाँ पर गांधी जी मानते हैं कि जिस प्रकार जो है श्री राम जी का राज्य था कि उनके राज्य में प्रजा दुखी बिल्कुल नहीं थी, प्रजा सुखी थी, प्रजा को न्याय मिलता था। वो राम जी जो है जब न्याय करते थे तो किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे, चाहे कोई राजा हो, चाहे गरीब इंसान हो, चाहे रंग हो, वो न्याय करते थे। वो किसी का जो है इस तरह से अमीर गरीब को लेके भेदभाव नहीं करते थे, वो करते थे न्याय। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर उनकी प्रजा सुख में थी, प्रजा दुखी बिल्कुल नहीं थी। उनका जो जीवन था, उनका प्रजा का खुशहाल जीवन था, तो ऐसा चाहते थे गांधी जी कि हमारे देश का शासन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सात में ऐसा कहता है, मार्क्सवाद क्या है, इसके मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो जरूरी सवाल है, आपके जो 5 नंबर में 8 नंबर सवाल आ सकता है, कई बार 10 नंबर भी आता है। तो इस सवाल में ऐसा कहता है कि मार्क्सवाद क्या है आपको ये बताना है, साथ में आपको इसके सिद्धांत बताने हैं कि क्या क्या सिद्धांत है। तो फिलहाल मैं जो है यहाँ पर इनके सिद्धांतों को जो मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन करना क्या है कि आपको इनको डिस्क्राइब करना है, आपको मैं आपको जो है अपने एग्जाम में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, एक तरह से ये आपके लिए पॉइंट्स है। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाज का ही एक रूप है, यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास करता है। अतः मार्क्सवाद सब व्यक्तियों में समानता का दर्शन चाहता है कि यहाँ पे सब व्यक्तियों में कहते क्या हो, मार्क्सवाद हो, समानता हो, वहाँ पे जो है कि कोई भी भेदभाव ना हो, अपना वो वहाँ जो है श्रमिक को लेके, पूंजीपति को लेके किसी तरह का भेदभाव ना हो। इसके कुछ सिद्धांत है, सिद्धांत क्या बनते हैं आप हमारे, द्विधात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक भौतिकतावाद की व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अर्थित मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, वर्गहीन और राज्यहीन समाज, ये हमारे कुछ के सिद्धांत बनते हैं जिसके बारे में आप अपनी तरफ से बना बना के कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यह इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और NOS की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।